मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो काइंड ऑफ एक अपने खुद के मेमोरीज के लिए बनाता हूँ। नमस्कार 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 भाई और बहनों, तो आज के व्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हो, अभी फ़िलहाल जो है हम अपने बिटिया की सुसु पॉटी को फेंकने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आफ्टर यू गेट मैरिड। तो अभी फ़िलहाल जो है प्राइमरीली आज का व्लॉग उसके लिए नहीं है। आज जो है मैं अपने नानी के घर जाऊँगा, बिकॉज नानी जो है थोड़ा सा उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। और उन्होंने फिर मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मेरे को चिकन खाना है। तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो मैं एक लोकल चिकन लेने के लिए जा रहा हूँ। लोकल चिकन मिलेगा हमें इन अनालिया पूल। तो अनालिया पूल जो है वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट मार्केट है, जहाँ पे सारा हिसाब किताब मिल जाता है। और ये देखिए सूख गया है, पानी जो है सूख गया है यहाँ से। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, मतलब कितना लेवल का ख़तरनाक सा फ्लैश फ्लड आया था यहाँ पे। मतलब पूरा ऊपर तक, एकदम पूरा ऊपर ऊपर तक ये पूरा डूब गया था। और इवन यहाँ पे जो है ट्रक भी फंस गया था, साला कलेशी हो गया था पूरा का पूरा। हाँ, और बहुत सारी जनता पूछ रही है कि बाबा राइड एकदम ही, मैं आपको बता देता हूँ आज के ब्लॉग में, मतलब एकदम सच्चाई सी बात है कि एक बारी जब ही बॉर्डर्स खुलेंगे, एक बारी जब ही बॉर्डर्स खुलेंगे तो सबसे पहला राइड जो है वो तवांग के लिए होगा। चाहे वो मॉनसून में हो जाए या विंटर में हो जाए या किसी भी में हो जाए, लेकिन सबसे पहला जो राइड होगा, लॉन्ग राइड, वो तवांग का होगा। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में भी बताया है कि वी आर वेटिंग फॉर आवर तवांग राइड। जनता रेडी है, बाइक रेडी है, बस ये कोरोना थोड़ा सा चला जाए तो फिर हम लोग जो है तवांग के लिए निकल पाए। बिकॉज ना मतलब ऐसा है ना कि अभी तवांग बोलते 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 कब जा पाएंगे, एक वो भी पॉइंट है। और जैसे आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे जो है धूप बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी भी अच्छी खासी आ गई है। तो फिर मेरा जो है एक एसी भी आने वाला था, तो वो आज का डिलीवरी दिखा रहा है, तो उसके लिए, उस एसी के लिए जो है मेरे को एक आउटडोर स्टैंड भी लेना है। बिकॉज़ वो स्टैंड जो है वो फिर वो बाहर से आएगा, और अगर आप एसी परचेज कर रहे हो तो अगर एसी जो टेक्नीशियन आता है अगर उससे अगर आप स्टैंड लगवाओगे तो फिर वो आपसे कम से कम 700 के 800 रुपए ले लेगा उस स्टैंड का। अगर वही स्टैंड अगर आप बाहर से लोगे तो ये हार्डली आपको 400 या 500 रुपए के आसपास ही लेगा। तो बताइए, तो 300 रुपए का फ़ायदा हुआ ना बाबा। तो गाइस ये है आपका नालिया पुल का मार्केट। तो ये जो है आपने जो देखा, ये है नालिया पुल का मार्केट। तो यहाँ पे जो है हमने सामान जो है वो तो ले लिया है, सामान इन द सेंस में हमको चिकन लेना था तो चिकन तो हमने ले लिया है। हमारे पिताजी ने जो है, आदरणीय पिताजी ने जो है वो हमारी गाड़ी लेके निकल गए हैं। और माताजी को जो है, माताजी अभी फ़िलहाल हमारे पीछे बैठी हुई है, तो माताजी को जो है वो बाइक में बैठना मतलब पसंद नहीं है। तो डैट इज़ द रीज़न वाई स्कूती महाराज ही है जो सारा का सारा बोझ उठा के 30 किलोमीटर का सफ़र और आने जाने में 60 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आज तय करेगी। जनता जो है मेरे को एक चीज़ पूछती है कि भाई आप YouTube पे इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे हो, मतलब व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड बीइंग सच कंसिस्टेंट ऑन YouTube। बिकॉज जैसे आप लोग सबको पता है कि YouTube जो है बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है, बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है, और जितना आप टाइम और एनर्जी इसमें देते हो उस उतने लेवल का रिजल्ट्स जो है वो आपको नहीं आता है। तो उसका बस एक ही आंसर है कि नहीं, YouTube में आएंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे। तो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, YouTube में पैसा है लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतना तो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ,
थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट YouTube जो है वो आप अगर कर रहे हो तो देन डू इट फॉर योर हॉबी, मतलब एक ऐसा काम जो आप हॉबी की तरह करते हो एंड यू लाइक डूइंग इट। अगर ऐसा कोई आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई काम है देन यू कैन वीडियो लॉग इट, उसको आप एज ए वीडियो हिसाब से आप कैप्चर करके रखिए ताकि वो आपके खुद के मेमोरीज के लिए हो और आपको उसको खुद को देख के अच्छा लगना चाहिए। तो मैं जो है वीडियोस बनाता था प्राइमरीली फॉर माय ओन मेमोरीज कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो एक बार ये सारे वीडियोस, जब मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, जब मेरे पे इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहेगी कि कुछ भी आप खुद से करो, खुद से बाइक चला के जाओ, तब जो है मैं ये वीडियोस देख के अपने आप को मतलब मेमोराइज करूंगा कि दैट हाँ मैंने अपने टाइम में सारा का सारा काम कर लिया है जितना भी करने चाहिए था। अब जो है अभी के जनरेशन का टाइम है, तो बाय टेकिंग ऑल दोस थिंग्स इनटू कंसीडरेशन जो है मैं वीडियोस बनाता जाता हूँ एंड प्राइमरीली आई क्रिएट वीडियोस फॉर माय ओन मेमोरी। लेकिन हाँ अभी अगर वो मेमोरीज किसी और को भी मज़ा आ रहा है देखने में तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। बस पॉइंट वही है। एंड अनदर थिंग, बहुत सारी जनता जो पूछती है कि आप कौन सा एक्शन कैमरा यूज करते हो, प्राइमरीली ये जो है ये है एक GoPro Hero 5, ये है GoPro Hero 5, तो मैं प्राइमरीली GoPro Hero 5 में शूट करता हूँ। और जो व्लॉगिंग के लिए होता है तो मैं कभी कभी उसके लिए DSLR कभी कभार यूज़ करता हूँ एंड प्राइमरीली आई यूज़ टू डू ऑल द फ्रंट फेसिंग जो है वो मैं प्राइमरीली आई ट्राई टू डू इट विद माय आईफोन। मैं अपने आईफोन से जो है जितना भी है फ्रंट फेसिंग वाला जितना भी है वो मैं अपने आईफोन से कर लेता हूँ। तो बस एक ये मेरा पॉइंट था। बाकी चलिए एक बार ये नानी के घर पहुँचते हैं, नानी को खाना वाना खिलाते हैं। A few moments later. जैसा भी है जो भी है, वैसे मैं ये प्राइमरीली मेमोरीज के लिए बना रहा था। सी यू इन अ वेरी नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय गाइस।